जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम बदलकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया करते थे। नशे की लत ने आरोपियों को गलत राह दिखाई और वह योजना बनाकर एटीएम से पैसे निकालने आए लोगों को बातों में फंसा कर एटीएम बदलकर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के कब्जे से 1,20,000 रुपये नकद, 29 एटीएम कार्ड, घटना में इस्तेमाल दो गाड़ियाँ बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नितिन कुमार उर्फ सोनू पुत्र दिनेश गिरी निवासी ग्राम बरहाना थाना नरसेना जिला बुलंदशहर और गुलशन कुमार उर्फ सन्नी पुत्र राम उग्र सिंह निवासी सेक्टर 41B बुटेरला सेक्टर 36 चंडीगढ़ के रूप में हुई है। देखिए सीओगढ़ और थाना से बावली पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा अनावरण किया गया है घटना का। उनकी टीम का एक सराहनीय कार्य है। 13 फरवरी को सिंभावली पुलिस को एक FIR प्राप्त हुई थी जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी द्वारा बताया गया था कि उनका ATM कार्ड बदल करके 2 लाख रुपए लगभग उनके ATM कार्ड से विड्रॉ हो चुके हैं और उनको काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसको लेकर के सिंभावली पुलिस ने FIR पंजीकृत करी थी। FIR पंजीकृत करने के उपरांत तुरंत अपनी सभी टीमों को लगा करके इन्होंने बहुत गहन छानबीन के उपरांत एक मास्टरमाइंड जिसका नाम गुलशन कुमार है जो पंजाब का रहने वाला है इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही में एक नितिन नाम का व्यक्ति है जो बुलंदशहर का रहने वाला है इनको गिरफ्तार किया है। घटना में जो इन्होंने 2 लाख रुपए ठगे थे उसमें से लगभग 1,20,000 रुपए की बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ ये लोग जो ये गैंग चलाते हैं गैंग चलाने के उपरांत इनके पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और ATM कार्ड हैं। लगभग 30 ATM कार्ड विभिन्न बैंकों के ये भी इन्होंने बरामद किए और घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ियाँ एक रेनॉल्ट और एक वैगनार गाड़ी जिसको ये लोग यूज़ करते थे इनका गैंग यूज़ करता था इसको बरामद किया है। गुलशन कुमार ने अपनी विस्तृत पूछा आख्या में बताया है कि ये पहले भी पंजाब और UP में इस तरीके के काम कर चुका और पंजाब के लुधियाना शहर से भी ये जेल जा चुका है। ATM कार्ड बदलने का एक संगठित गिरोह ये चलाता है। मेवात के अपने कुछ साथी उनका भी नाम इन्होंने बताया है और इन्होंने ये भी बताया है कि जनपद हापुड़ के ही रहने वाले कुछ और व्यक्ति हैं जो इस गैंग में शामिल होकर के ये इस तरीके के काम ये लोग करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे गैंग में आने के पीछे जो ये काम करते हैं ATM बदल के फ्रॉड करने का उसके पीछे इनकी नशे की लत है। ये पंजाब में रहते हैं वहाँ हीरोइन का नशा ये करते हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली आकर के भी कुछ ड्रग्स परचेज करते थे ये लोग और उसको ले जा करके पंजाब में बेचते भी थे पैसे कमाने के लिए और इसी लत की वजह से इन्होंने इस काम में अपने आप को डाल दिया। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि कुछ अन्य सदस्यों के साथ इनका संपर्क है जो यहाँ पे और भी जगह इस तरीके के गैंग चलाते हैं। बाकी जब इन्होंने पूछताछ में स्वयं ही ये चीज़ें बताई हैं कि जनता किस तरीके से ATM में गलती करती है जिसका हम फ़ायदा उठा करके लोगों को चकमा देते हैं और उनका ATM कार्ड बदल लेते हैं। इन्होंने बताया ख़ासतौर पर कि कैसे लोग जो ये लोग हैं जो बिना गार्ड के जो ATMs होते हैं वहाँ पे उसको टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो आए बाए अगल बगल लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई इसमें से पैसा कैसे निकाले। मैंने ये भी बताया कि जब लोग अपना पैसा निकालते हैं तो ATM का जब वो पिन डालते हैं तो उसको उंगली से नहीं ढकते हैं हाथ से नहीं ढकते हैं और हमारा एक साथी ATM में खड़ा होता है जो ये पूरी चीज़ों को। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि थाना सिंभावली पुलिस को 13 फरवरी को रिटायर्ड प्रशासनिक कर्मचारी ने तहरीर दी कि उसका ATM बदल कर बदमाशों ने 2 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की और शनिवार को आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बेहद शातिर किस्म के ठग हैं जिनके द्वारा बुलंदशहर गाजियाबाद हापुड़ पंजाब आदि क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है। आरोपियों को नशे की लत है जिसके चलते वो ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोगों को ATM बदल कर लाखों का चूना लगा रहे थे। पुलिस ने सिंभावली के वेट पुल नया बाईपास NH9 से आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 1,20,000 रुपए नकद, 29 ATM कार्ड, 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं।